जब तक मुझे मेरी सैंडल्स नहीं मिलेंगी मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। प्रीति ये क्या बचपन है? आप जो समझना चाहे समझे भैया, पर एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरा बचपना नहीं है, ये मेरी इच्छा है। पर बचपना तो मैंने बचपन में नहीं दिखाया। प्रीति प्रीति ये क्या कर रहे हो? प्रीति तुम्हें लग रहा है? प्रीति प्रीति ये क्या कर रही हो? बेटा लग जाएगी, बेटा बेटा नहीं लग जाएगी तुम्हें। प्रीति प्रीति प्लीज रुक जाओ। प्रीति क्या कर रही हो? प्रीति 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 प्लीज चप्पल पहनो, तुम्हें लग जाएगी। प्रीति प्रीति प्लीज पहन लो। अरे कैसे भाई हो तुम लोग, अपनी बहन की एक छोटी सी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो? और रुचिता तुम, क्या जरूरत थी तुम्हें अपने लिए साड़ी मंगवाने की? नहीं माम, मैंने नहीं मंगवाई। मैं निहार संभाल के। प्रीति आ जाओ वहां से। प्रीति यही है ना साड़ी? ये साड़ी है, ये साड़ी है सारे फसाद की जड़। साड़ी, मैं इस साड़ी का किस्सा ही ना खत्म करती। मॉम 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 प्लीज। बेटा प्लीज, मेरे आगे हाथ जोड़ दियो, अब तो मान जा बेटा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे वो सैंडल कल के कल दिलाऊंगी। आई प्रॉमिस बेटा। प्रीति बेटा गुस्सा छोड़ दो बेटा। देखो तुम्हें तुम्हारे माँ पापा की कसम, प्लीज चप्पल पहन लो बेटा प्लीज। ठीक है, आप दोनों की कसम टालने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। मैं चप्पल पहन लेती हूँ लेकिन कल वो सैंडल आ जानी चाहिए। मैं लेकर आऊंगी वो सैंडल। पक्का? पक्का बेटा पक्का। माँ चलिए ना शॉपिंग दिखाती हूँ। भाभी चले? हाँ। अजीब है ये लड़की, अभी इतना रो रही थी अभी इतना चेंज। अरे हम लोग खड़े क्यों हैं? चलिए ना, बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ मैं। देखेंगे बेटा सब देखेंगे, लेकिन पहले पैरों में दवाई तो लगवा लो। हाँ बेटा जी। रुचिता ये सब साफ कर दो। चल आजा। जी अच्छा संभल के आराम से। जाने अनजाने में भी प्रीति के दुख के कारण मैं ही बन रही। रुचिता रुचिता ये क्या कर रही थी तुम? निहार जी प्रीति ने मेरी वजह से खुद को सजा दी, उसी को महसूस कर रही थी मैं। रुचिता इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, फिर तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? ये ड्रेस तो मुझे देखते ही पसंद आ गई थी, और पता है मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया। देखिए ये देखिए, दिखाओ। और ये देखिए बड़े ब्रांड वाला मेकअप लिया इस बार मैंने, और ये टेडी बेयर। बचपन से इसके खरीदने के सपने देखती थी और आज वो पूरा हो गया।
और ये देखिए मैंने नया हेयर ड्रायर भी लिया है। भाभी का क्या भरोसा, कब क्या कर दे। प्रीति वो रुचिता ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। ठीक है भाई, अगर आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। गर्मा गर्म चाय पकौड़े। ठीक है ना, मेरी बच्ची ने बचा लिया आज मुझे। सुनना ऋतु, तुम मुझे जलाने के मकसद से ये चाय लेकर आई। सॉरी माँ, वो गलती से हो गया। मैं रुचिता, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? भाभी अगर माँ के ऊपर गरम गरम चाय गिर जाती तो। नहीं भाभी, मैंने धक्का नहीं दिया, वो मेरा पैर फिसल गया। अब गलती से सॉरी सॉरी। रुचिता भाभी, मैं आपकी सब चालें समझ रही हूँ। यू भोलेपन का ढोंग करके आप अच्छे से बदला लेती है ना। माँ ने आपकी साड़ी जला दी तो मेरी तरह आप उनको भी दान देना चाहती है। प्रीति, चिल्लाइए मत भाभी। अगर ये आपका मकसद नहीं था तो इसका मतलब आप मेरी चीजों से जल रही है ना। क्या? तभी तो आपने रितु भाभी के जरिए मेरी ड्रेस खराब कर दी। मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, तुमने तो हद पार कर रखी है रुचिता। जब से मेरी बेटी इस घर में आई है तुम तो इसके पीछे ही पड़ गई है। माँ, आप बहुत गलत समझिए, मैं प्रीति का बुरा नहीं चाहती हूँ। वो तो दिख ही रहा है भाभी। प्रीति प्रीति लाओ, मैं ये दाग साफ कर देती हूँ। प्रीति प्रीति बेटा, प्रीति बेटा, मेरी बात सुनो बेटा, सुनो। फिर से दिल दुखा दिया तुम लोगों ने मेरी बच्ची का। अरे एक पल के लिए तो चैन से रहने दो उसे इस घर में। प्रीति प्रीति बेटा, मेरी बात सुनो। प्रीति, अरे दरवाजा बंद कर लिया, इसने कुछ कर देगी ये। बेटा दरवाजा खोलो। प्रीति प्रीति दरवाजा खोलो। हे भगवान, ये कपड़े क्यों पहने? इसमें तो दाग है ना। तो दाग वाले कपड़े नहीं पहने जाते प्रीति, या तो उस दाग को साफ कर लो या फिर किसी को दान दे दो। जैसे आपने मुझे दान कर दिया था, क्योंकि आप दाग साफ नहीं कर सकती थी। यानी आपके लिए मुझ में और कपड़ों में कोई अंतर नहीं है ना, है ना? बेटा ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि आपने भी तो यही बोला था ना, ये बदसूरत लड़की मेरी बेटी नहीं हो सकती। बेटा वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, मुझे माफ कर दो। सॉरी। झूठ मत बोलिए आप लोग। आप सब लोग मेरे दाग का मजाक बनाते हैं। आप लोग मेरे दाग पे शर्मिंदा है। आप सबको मेरे चेहरे का दाग बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रीति अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो जानती हो ना, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी आप तो बहुत खुश होंगी ना।
कैसी बात कर रही हो? आखिर आपसे ज्यादा बदसूरत भी इस घर में कोई आ गया है? बात का बतंगड़ मत बनाओ प्रीति। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? ठीक है, ये दास्ता मैं किससे खत्म कर देती हूँ। प्रीति बेटा, बेटा सुनो, प्रीति बेटा सुनो, कोई आगे बढ़ा तो मैं आग लगा दूंगा। नहीं 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 क्या कर रही हो? प्रीति क्या कर रही हो बेटा, सुना तो जाओ। ये दांत नहीं जा रहा है, कितना भी पैसा लगा रही है, नहीं जा रहा है दांत। ये देखिए, हल्दी का भी कोई असर नहीं हो रहा है। प्रीति प्लीज सुना तो जाओ। बेटा क्या कर रही हो बेटा तुम? प्रीति प्रीति बस करो, मेरी बात सुनो। प्रीति तुम क्या हुआ अगर तुम्हारे चेहरे से ये दाग नहीं जा रहा तो? अगर ये दाग तुम्हारी पहचान है तो तुम्हें इस पहचान पर नाज होना चाहिए। और लोगों का क्या है, लोगों को तो वो तो भगवान में भी 100 कमियां निकालते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। प्रीति गुलाब के फूल में भी ना कांटे होते हैं लेकिन फिर भी प्यार का प्रतीक है वो। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुंदर नहीं है लेकिन सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने इस जहां में परचम लहराया। तुम्हें पता है प्रीति, मैंने भी अपने रंग को लेकर बहुत कुछ सुना। लोग मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप को भी शर्मिंदा करते, समाज में सर उठा के चलने की इजाजत नहीं देते थे हम। लेकिन पापा जी ने मेरे मन की सुंदरता देख के मुझे इस घर की बहू बना। निहार जी ने मुझसे प्यार किया। हाँ बेटा, सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है। तुम लोगों की छोटी सोच को खुद पे हावी मत होने दो बेटा। प्रीति, इंसान का सूरत एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, जैसे एक वक्त में खत्म होना ही है। लेकिन सीरत अमर होती है प्रीति, वो कभी मिटती नहीं है। इसलिए इंसान अपनी सूरत से नहीं बल्कि अपनी सीरत से जाना चाहता है। लोग इंसान की कर्मों को याद करते, उसके रंग रूप को नहीं। ये सब किताबी बातें हैं भाभी। अगर ऐसा ही होता ना तो दादी मुझे किसी और को नहीं सौंप देती। सच तो ये है कि इंसान बस ऊपरी खूबसूरती देखता है, मन की सुंदरता तो उसको परखने के बाद नजर आती है। और सच ये है कि यहाँ पे तो कोई मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। और पहचान की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। प्रीति 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 बेटा, प्रीति नहीं बेटा, प्रीति शांत हो जाओ प्लीज। इस बात को हटाने का बस एक ही तरीका है। प्रीति पीछे हट जाइए आप। लग जाएगी तुम्हें प्रीति, प्लीज ये चाकू छोड़ दो प्लीज। प्रीति चाकू छोड़ दो प्लीज। प्रीति प्लीज होश में आओ, लग जाएगी तुम्हें। प्रीति चाकू छोड़ दो प्लीज। प्रीति आई एम सॉरी, देखो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज मुझे माफ कर दो। आज की बात दाग वाली मैं कोई बात नहीं करूंगी। फिक्र मत कीजिए भाभी, इस दाग से सबको बहुत प्रॉब्लम है ना। आज इस दाग का मैं किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। मैं इस दाग को काट कर फेंक दूंगी। नहीं प्रीति, नहीं 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 बेटा, नहीं प्लीज कुछ करो ना। नहीं बेटा,
प्रीति बेटा मैं वादा करता हूँ आज के बाद डाक के बारे में कोई फिक्र नहीं करेगा इस घर में। प्लीज छोड़ दे चालू बेटा। प्रीति प्लीज शांत हो जाओ। प्रीति संभालो खुद को, प्लीज मेरी बात सुन। कैसे संभालूं भैया, आज तक तो मुझे बस बाहर वाले इस दाग के लिए ताने देते थे, लेकिन अब तो घर वालों ने भी शुरू कर दिया। ये दाग तो मुझे काट ही देना चाहिए था। प्रीति अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा तो मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। भाभी सिर्फ आप ही की बातों से तकलीफ नहीं हुई है मुझे, किसी और की भी बातों से हुई है। प्रीति मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ, ये जिद छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। प्रीति, I promise। पापा ने जो तुमसे वादा किया ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए इस घर में, तुम्हें अब कोई तुम्हारे दाग के लिए कुछ भी नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा? इस बात का मैं ध्यान रखूंगा, प्लीज मुस्कुरा दो प्लीज। मेरे इस नाटक से अब सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे, सब अपने सर का ताज बना लेंगे मुझे, और मैं इस बात का फायदा उठाऊंगी। ऐसा तांडव मचाऊंगी घर में कि सबके सर उनके धड़ से अलग हो जाएंगे और इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तलवार मेरे हाथ में थी। थोड़ी देर खिड़की क्या खुली रह गई, मच्छरों की बारात ही घुस गई। दादी जी क्या हुआ, आप ठीक हो? मच्छर है। पानी यहाँ रख रही हूँ। हाँ ठीक है, और जरा कॉइल जला दे, बहुत मच्छर घुस आए हैं। हाँ एक मिनट। दादी जी मैंने कॉइल जला दी है। हाँ ठीक है, गुड नाइट।
जहां मुझे मेल मिल गया। हाँ सुनाली, मैं अभी तुम्हारी फोटोज देख रहा था। फोटोज तो बहुत अच्छी है, तुम टेंशन मत लो, मैं जरूर बात करूंगा। चलो ओके बाय। ओह मेरी कॉफी। ओ हेलो, कहाँ खो गई? कॉफी दो ना। सॉरी ये लीजिए। वैसे निहार जी, ये लड़की कौन है? ये सोनाली मॉडल है, हमारी ब्रांड के लिए मॉडलिंग करना चाहती है, इसीलिए इसकी फोटोज देख रहा है। ओ ओके। फोटोज बहुत हॉट है ना, देखो। और मैं पता है हम स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। बहुत अच्छी बात है। अब आप कॉफी पी लीजिए, वरना इसकी तारीफ में आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी। हाँ कॉफी तो बाद में पी लूंगा। लोगों को ये लगता था कि हमें कपल, हमारा तो उन्होंने नाम भी दे दिया था सोनी। सोनी? हाँ, अब निहार से नी एंड सोनाली से सो सोनी है ना, क्यूट नेम सोनी। हाँ बहुत क्यूट है। आप अपने सोनी से सोनी सोनी बातें कीजिए, मैच होते मुझे बहुत काम। रुचिता, निहार जी छोड़िए मुझे, कहीं कुछ जल रहा है शायद। गर्मी क्यों लग रही है? निहार जी, है दिल के जलने की बदबू नहीं है, बल्कि सच में कुछ जल रहा है। क्या? हाँ, कहाँ से आ रही है ये? बचाओ! हे भगवान! बचाओ!